हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। चलो भैया, अब हम चलते हैं अपने किचन में। अभी नहाना धोना हुआ नहीं है, पहले किचन में चलते हैं। पहले मेरी मलाई जमी हुई रखी है, उसको देखते हैं। वो चली नहीं है कई दिन से, फल पहले उसका आज हम फाइनली काम निपटाएंगे। चलो भाई, उसको देखेंगे आज। ये मेरी कई दिन से जम रही थी मलाई, तो आज मैं इसको चला देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ये ब्लेंडर ले लिया है और मैं यहाँ पे ये मलाई चलाने लग गई हूँ। ये मलाई चलाना भी एक बड़ी आफत लगती है वैसे तो, पर चलो फिर भी चलानी तो खैर पड़ती है। इतना बड़ा काम लगता है इस मलाई चलाने का कि बस पूछो मत, कि ऐसे लगता है कि जब कितना बड़ा काम है। और वैसे टाइम भी नहीं लगता, बस इसमें 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर हम ब्लेंडर से चलाते हैं तो। देखो मैंने थोड़ी देर ही चलाया था, ज़रा सी देर में ही इसमें घी आ चुका है। यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपना ये घी निकालने के लिए। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है तो उसकी वजह से ये पिघला पिघला सा होता, तो मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, तो जिससे वो घी इकट्ठा सा हो गया। तो मैंने उसका मट्ठा मट्ठा निकाल लिया और घी को उसी में छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी गैस पर। यहाँ पे मैंने इसको गैस पे रख दिया है करने के लिए। जब ये हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे, मैंने मशीन लगा रखी थी अपनी, उसमें मैं कपड़े वॉश कर रही थी, मतलब कपड़े धो रही थी, तो मैं उसको, वो मशीन बंद हो गई थी तो मैं उसको चलाने के लिए चली गई हूँ। तो मैं मशीन को चला के आई हूँ वहाँ पर। यहाँ पर मेरा घी पिघल के हो गया है तैयार। अब मैं इसको अपने डब्बे में डाल कर, ये गाय का घी है तो इसीलिए पीला पीला आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये गाय का घी है। ये फाइनली हो गया है पिघल के तैयार, तो मैंने इसको डिब्बे में डाल दिया है। अब फाइनली मेरा घी का काम हो चुका है। चलो अब करते हैं नहाने की तैयारी। अब से थोड़ा सोना सोना बाबू बाबू से बन जाते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आप। यहाँ पर मैंने अपनी ग्रीन कलर की ये नेल पेंट लगा ली है, हाथों में भी लगा ली है और पैरों में भी लगा ली है। कैसी लग रही है मेरी ये नेल पेंट, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि ये मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है आपको, ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे ये पसंद आ रही थी तो मैंने इस ग्रीन कलर की इसीलिए ली थी, तीज की वजह से, कि इस पर मैं ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने ये फेयर लवली लगा ली है, यहाँ पे कर दिया है मैंने अपना मेकअप स्टार्ट। तो मैं फेयर लवली मैंने लगा ली थी और यहाँ पे मैंने ये लिपस्टिक लगा ली है। इसके बाद मैं ये कंगन पहन लूँगी। तो ये ग्रीन कलर के कंगन थे और रेड थे, ये मुझे पसंद आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास साड़ी भी थी ग्रीन कलर की, तो इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर के कंगन लिए थे। तो मुझे लग रहा था कुछ थोड़े से मेरे ये टाइट थे, क्योंकि थोड़ा सा हाथ में ये मेरे मतलब आसानी से नहीं आए, थोड़ा सा टाइट टाइट मुझको ये लग रहे थे। तो देखो कैसे लग रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार। चलो भाई, हम हो गए हैं रेडी हरियाली हरियाली तीज के लिए। आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली है, क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो हमने सोचा क्योंकि हरियाली तीज है तो क्यों ना ग्रीन कलर की और हरी हरी साड़ी पहन जाए। हमारे देखो नेल पेंट ग्रीन, साड़ी ग्रीन और इयर रिंग्स ग्रीन, तो इसलिए हमने सारा कुछ ग्रीन ही ग्रीन करा है। और मेरी साड़ी देखिए कैसी हो गई है, आज से दिखाती हूँ। चलो भाई, बनाते हैं हरियाली की, आप भी बनाइए। और कैसी लग रही है साड़ी मेरी,
कैसी लग रही है? हमने तो ग्रीन ग्रीन साड़ी बांधी बांधी है, हमारे किसी और ने भी ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। चलो दिखाते हैं आपको कि हमारे ये ग्रीन कलर के कपड़े किसने पहने हैं। चलिए चलो भाई तुम्हें दिखाते हैं। चलो भाई देखते हैं किसने और पहनी है हमारे घर में ग्रीन कपड़े। हमने तो पहनी पहने, साथ में किसने पहने हैं वो भी देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे कान्हा जी ने भी ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ग्रीन कलर के कपड़े हमारे कान्हा जी ने पहने हुए हैं। हमने सोचा इनको भी ग्रीन ही पहना देते हैं, जो हमने ग्रीन ग्रीन कपड़े पहने तो इनको भी ग्रीन ग्रीन कपड़े पहना देते हैं। मिलिए आप कान्हा जी से। यार साड़ी तो मैंने पहन लिया, लेकिन गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा साड़ी में। मेरा मन था कि चलो ग्रीन कलर की साड़ी पहने, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि इसको उतार दूं, अभी शरीर एकदम बिचा बिचा सा लग रहा है। चलो अभी तो खैर नहीं उतारी, थोड़ी देर बाद उतारूंगी। अभी तो फिलहाल तो अभी कुछ लगते हैं और कहीं काम पर। चलिए भाई चलते हैं। नहीं क्या गर्म होते? हाँ ठीक है, बना रही हूँ। चलो भाई चाय का ऑर्डर आ गया है, अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। चलिए भाई चाय बनाने चलते हैं। अब चाय बनेगी। हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।